सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 101 क्वेश्चन नंबर, इसमें है क्वेश्चन व्हेन इज़ इद्दत ऑब्जर्व फॉर 3 मंथ्स। सो आंसर हो जाएगा क्या, ऑन डिवोर्स। 102 क्वेश्चन है तलाक विच कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट इज कॉल्ड, सो तलाक उल बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अ वुमन कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, सो आंसर विल बी ए एंड बी बोथ। ए में है इफ़ ही इज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, और बी में इफ ही कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज। क्वेश्चन है अगला, वेदर अ मुस्लिम मे गिव तलाक इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर प्रेशर, सो आंसर विल बी येस रिकग्नाइज अंडर द सुन्नी मुस्लिम लॉ। अगला क्वेश्चन है बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट अटरेंस ऑफ तलाक विच काइंड ऑफ तलाक बिकम्स इफेक्टिव, सो आंसर विल बी तलाक है हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द 3 तलाक वुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक, सो आंसर विल बी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002 के केस में ऐसा बोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट प्रॉपर डिवोर्स इज, सो आंसर विल बी हसन तलाक। अगला क्वेश्चन है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड, सो खुला और मुबारक। अगला क्वेश्चन है खुला अंडर द मुस्लिम लॉ रेफर टू, आंसर क्या हो जाएगा, डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली, सो आंसर विल बी रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times एट अ टाइम बाय अ मुस्लिम हस्बैंड रिजल्ट इन सिंगल तलाक, सो आंसर विल बी मशरूर अहमद केस में बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 डील्स विद, सो आंसर विल बी मेंटेनेंस राइट ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स प्रोवाइडेड बाई रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, सो आंसर विल बी कन्वर्जन ऑफ हस्बैंड टू सम अदर फेथ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ, सो आंसर विल बी फासिद। अगला क्वेश्चन है द इदर पीरियड ऑफ अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन हु वॉज प्रेगनेंट एट द टाइम ऑफ हर डिवोर्स इज, सो आंसर विल बी पीरियड बिटवीन द डिवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड और द टर्मिनेशन ऑफ विच ऑफ हर प्रेगनेंसी विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल टू हिंदू एंड मुस्लिम वाइफ बोथ टू क्लेम डिवोर्स, सो आंसर विल बी हस्बैंड डिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू अ मुस्लिम वाइफ टू सीक रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, सो आंसर विल बी हस्बैंड हैज चेंज्ड द रिलीजन। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम वाइफ टू सेम टू सम अदर फेथ, सो आंसर विल बी नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट्स टू रिजॉल्व हर मैरिज। अगला क्वेश्चन है द मैट्रिमोनियल रेमेडी ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टमेंट, सो आंसर विल बी द रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंसी ऑफ अ स्पाउस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिमोनियल लेजिस्लेशन, सो आंसर विल बी द रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अगला क्वेश्चन है अ मैन एंड अ वुमेन बोथ मुस्लिम गेट मैरिड अंडर द क्लासिकल मुस्लिम लॉ एंड देन गेट दियर मैरिज रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ईयर लेटर द हस्बैंड प्रोनाउंसेस तलाक ऑन हिज वाइफ एंड गेट मैरिड अ सेकेंड टाइम, सो आंसर विल बी सी द सेकेंड मैरिज इज वॉइड एज द राइट ऑफ तलाक इज नॉट अवेलेबल टू द हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम of 2 years separation is necessary for obtaining divorce by mutual consent under the provisions of Divorce Act 1869. Next question is the rule of unlawful conjunction under Muslim law relates to, answer will be marriage of a man with his wife's sister. अगला question है the matrimonial relief of announcement of marriage is not available under the, so answer क्या है, dissolution of Muslim marriage act 1939. अगला question है मुबारक under the classical Muslim law refers to, so answer क्या हो जाएगा, divorce by mutual consent. अगला question है
वेयर अबाउट ऑफ द मुस्लिम नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. अगला क्वेश्चन है, अ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इन ऑर्डर टू रीमैरी हर फॉर्मर हजबेंड हैज़ टू ऑब्जर्व द प्रोसीजर ऑफ हलाला. इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन है, अंडर द मुस्लिम लॉ रिनाउंसिएशन फ्रॉम इस्लाम एंड कन्वर्जन ऑफ द हजबेंड टू एनी अदर रिलीजन वुड, सो आंसर विल बी हैव द इफेक्ट ऑफ इंटेंशनियसली इंटेनियस डिजोल्यूशन ऑफ हिज मैरिज. अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंसी इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द, सो आंसर विल बी डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. अगला क्वेश्चन है, डिवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड मुबारक कहलाया जाता है. अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रूव्ड फ्रॉम द डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ इज तलाक अहसन. अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 एनेबल्स अ मुस्लिम वुमेन टू, सो आंसर विल बी क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड. अगला क्वेश्चन है, तलाक कैन बी इफेक्टिव, सो आंसर विल बी इधर ए और बी. ए और बी में क्या है, ए में है ओरली बाय स्पोकन वर्ड, और बी बी में क्या है इन राइटिंग. अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ, सो आंसर विल बी व्हेन एवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल टू हिंदू एंड मुस्लिम वाइफ्स बोथ टू क्लेम डिवोर्स. आंसर विल बी हस्बैंड रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर. अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 times एट अ टाइम बाय अ मुस्लिम हस्बैंड रिजल्ट इन अ सिंगल तलाक ओनली. सो आंसर विल बी मसरूर अहमद वर्सेस दिल्ली एनसीटी केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड, सो आंसर विल बी मुबारक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल टू अ मुस्लिम वाइफ टू सीक रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. सो आंसर विल बी चेंज ऑफ रिलीजन बाय हस्बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला अंडर मुस्लिम लॉ रेफर्स टू, आंसर विल बी डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ एंड एक्सेप्टेड बाय हस्बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनैक्टमेंट प्रोवाइड्स फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एट अ इंस्टेंस ऑफ वाइफ ओनली. सो आंसर विल बी डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. आंसर इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदर द कंजुमेशन ऑफ मैरिज बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी डिप्राइव्ड एज मुस्लिम वाइफ ऑफ हर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अंडर सेक्शन 2(7) ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. सो आंसर विल बी डज नॉट डिप्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस इज आर करेक्ट. सो आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही सही है. पहले में है, मुस्लिम हजबेंड एज अ राइट टू हैव 2 wives. दूसरे में है, द फर्स्ट वाइफ हैज अ राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द कंजुगल सोसाइटी, हजबैंड कैन नॉट क्लेम रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड डिवोर्स के बारे में है. क्वेश्चन है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 डील्स विद, सो आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 2 or 3 सही हैं. दूसरे में है, मेंटेनेंस राइट ऑफ मुस्लिम हु हैड बीन डिवोर्स्ड बाय देयर हस्बैंड बाय प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक. एंड 3 में है, मेंटेनेंस राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव सॉट डिवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से, क्वेश्चन है, अंडर हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंग डिस्टेंट किंडर्ड. क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, इफ देयर बी नो शेयरर्स ऑफ रेजिड्यूरी. अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंसिव मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस. सो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान. ठीक है, अगला क्वेश्चन वक्फ एंड वक्फ एक्ट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द टर्म बेनिफिशियरी इन द वक्फ एक्ट 1995. सो आंसर विल बी अ पर्सन और ऑब्जेक्ट फॉर हुज बेनिफिट और वक्फ इज क्रिएटेड एंड ऑल्सो इंक्लूड रिलीजियस पियर्स एंड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सेंक्शन बाय द मुस्लिम लॉ.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट से हैं, वक्फ कैन बी मेड बाय सो ए मुस्लिम ओनली। अगला क्वेश्चन मिसलिनियस से हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ, सो कुरान से हैं, सुन्नतैन हदीस से हैं और इजमाइन क्या से भी हैं। अगला क्वेश्चन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ पैटर्निटी वंस मेड अंडर मुस्लिम लॉ सो कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगला क्वेश्चन है, इन हुज कस्टडी द मुस्लिम इलिजिटिमेट चिल्ड्रन विल बी कीप सो मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट वैलिड, सो कौन सा नहीं है, गिफ्ट इन फ्यूचर वाला, कंडीशनल गिफ्ट वाला, गिफ्ट बेस्ड ऑन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, अ मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सो विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑबिंग द लॉ ऑफ द कंट्री कंसर्न विथ इंक्लूड्स पर्सनल लॉ। अगला क्वेश्चन है, अ डिवोर्स मुस्लिम वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ इज एंटाइटल टू बी मेंटेन्ड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, सो आंसर विल बी फॉर द पीरियड टिल सी रिमैरीज और डाइज। अगला क्वेश्चन है, अ मैरिड मुस्लिम मैन चेंज्ड हिज रिलीजन एंड बिकेम अ हिंदू आफ्टर वन मंथ ही गॉट मैरिड टू अ हिंदू गर्ल, दिस मैरिज इज, सो ऐसी मैरिज कैसे हो गई, वैलिड एज इट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर कन्वर्जन विच रिजल्ट द ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, ये तो हमारे मुस्लिम लॉ के हो गए। अगला एक दो क्वेश्चन और है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के 2006 के, इसको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए चाइल्ड मैरिज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज जनरली अवॉइडेबल है बट वॉइड इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 चाइल्ड मैरिज सो अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द चाइल्ड पार्टी टू द मैरिज टिल सच चाइल्ड अटेन मेजोरिटी। अगला क्वेश्चन, एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 चाइल्ड मैरिज इज, तो कैसी है, अवॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ द ऑप्शन ऑफ चाइल्ड पार्टी टू द मैरिज। तो हमारा मुस्लिम लॉ कंप्लीट होता है यहाँ पे।